तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू। सबसे पहले दोस्तों पिक्सल लैब ओपन कर लेना एंड फिर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज कस्टम पे क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल साइज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ये न्यू टेक्स्ट लिखा है उसको डिलीट कर देना है। फिर फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे, एक शेप्स बैकग्राउंड ऐड करना है, तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप भी डाउनलोड कर लेना है। एंड चलिए अब कोई ये बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम थंबनेल अपना बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने ये बैकग्राउंड ऐड कर लिया और लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको लॉक कर लिया। फिर फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे, एक शेप्स और ले लेंगे, शेप्स को पूरा अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। और इस शेप्स को दोस्तों हमने ब्लैक कलर देना है और ब्लैक कलर पे जाएंगे, कलर के ऑप्शंस पे कलर इनेबल कर लेंगे, ब्लैक कलर रख लेंगे। और दोस्तों फिर इसकी ओपेसिटी हम कम कर लेंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि किस तरीके से रखनी कितनी नहीं रखनी। हमने 80% रखी हुई ओपेसिटी और चलिए टिक कर लेते हैं। फिर आपको दोस्तों फिर दोस्तों फ्रॉम प्लस के आइकन पे क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे। दोस्तों एक हमने साइडो पीएनजी ऐड करनी है, तो हमने वो भी साइडो पीएनजी डाउनलोड करके रखी है। आप भी इमेज सर्च मैन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारी पीएनजी मिल जाएंगी। चलिए हमने इसको साइडो पीएनजी को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए साइडो पीएनजी एडजस्ट हो गया। हम आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं और हम अपने हिसाब से करें, आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा थंबनेल बना पाएंगे। तो चलिए हमने इसकी कॉपी बना ली है और इसको कॉपी करके हम इधर एडजस्ट कर लिए। आप सभी को लॉक कर लेना लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके, ताकि जो भी एलिमेंट्स ऐड करें दोबारा तो कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए हमने एक मनोज देखा पीएनजी रखा हुआ है, चलिए हमने मनोज देखा ही थंबनेल एक बना रहा हूँ, इसीलिए मनोज देखा मैं, आप अपना भी इमेज ले सकते हैं। चलिए मैंने मनोज देखा लिया मैं, क्योंकि मैं मनोज देखा थंबनेल बना रहा हूँ कि मनोज दे कैसे थंबनेल बनाते हैं। चलिए अब मनोज दे का पीएनजी ऐड कर लिया हमने और अच्छे से एडजस्ट कर लेना है इसको भी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से थंबनेल क्रिएट करते हैं। चलिए हमने इसका साइडो भी स्ट्रोक इनेबल कर लिया हूँ, 2 पॉइंट स्ट्रोक रख लिया है। एंड फिर आपको एक शेप्स पे क्लिक करके गोल सर्कल ले लेना है और इसको हमने यहाँ पर टच करके रखेंगे तो इमेज के पीछे ले जाना है तो पीछे चला जाएगा। दोस्तों इसका इमेज जो गोल सर्कल लिया है इसका हमने कलर रेड रखना है, रेड रखने के बाद क्लिक कर लेना है अच्छे से। दोस्तों आप भी एडजस्ट कर सकते हैं और देखते रहिए हमारा, हम कैसे थंबनेल बनाते हैं और किस तरीके से प्रोफेशनल थंबनेल बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके सभी लोगों को लॉक कर लेते हैं ताकि और भी एलिमेंट्स ऐड करने पे कोई प्रॉब्लम ना हो।
चलिए हमारा इतना हो चुका है। चलिए न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे और आपको यहाँ पे लिखना है 1000 सब्सक्राइबर, जो मनोज ने 1000 सब्सक्राइबर पहले फर्स्ट नंबर पे टैक्स डाला हुआ है, तो हम भी 1000 सब्सक्राइबर डाल लेते हैं। चलिए फटाफट से डाल लेते हैं 1000 सब्सक्राइबर। चलिए मेरा ओके हो चुका और इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे जाना है AB फॉन्ट पे, और मैंने इसका फॉन्ट यूज करना है खंड बोल्ड। और खंड बोल्ड भी आप भी क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएगा खंड बोल्ड का फॉन्ट। तो ज़्यादातर मनोज इसी चीज़ फॉन्ट यूज करता है। चलिए हमने खंड बोल्ड इसका स्ट्रोक भी इनेबल कर लेना है। स्ट्रोक लेंथ आपको 10% तक रख लेना या 7 या 8, ऐसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए हमने 8% स्ट्रोक ले लिया, अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एंड फिर आपको कलर के ऑप्शन पे जाएंगे कि आप सब्सक्राइबर को खाली ले लेना, क्योंकि हमें कलर 2 देने हैं इसमें, और सब्सक्राइबर को हम पूरा येलो कर लेंगे। आप अपने हिसाब से भी कलर रख सकते हैं, जो भी रखना चाहें, क्योंकि मैं मनोज दे का थंबनेल ट्राई कर रहा हूँ बनाने के लिए और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मनोज ने थंबनेल क्रिएट करते हैं अपना। तो चलिए हम अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए इसका हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे 4000 हावर्स वॉच टाइम। चलिए हम फटाफट लिख सकते हैं 4000 हावर्स वॉच टाइम। चलिए ओके कर लेते हैं वहाँ पे। अब हमें भी इसका कलर वही रहने देना है, येलो ही, जो सेम ऊपर वाला कलर है सेम नीचे ही कलर रहने देना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि हम अपना हाई क्वालिटी में थंबनेल किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए हम अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं इसको भी। 4000 आवर्स वॉच टाइम वहाँ पे से हिंदी में लिखेंगे। चलिए वहाँ पे वॉच टाइम के, चलिए वहाँ पे के लिखना था, मैं इसे बोल दिया के लिखना। चलिए वॉच टाइम के। चलिए अब आपको यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, दोस्तों अच्छे से एडजस्ट कर लेना। आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि किस हिसाब से रखना, छोटा बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, और हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। चलिए फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके आपको एक सेव साइड कर लेना है, जो कि मैंने इमेज सर्च में से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट ऐड कर लेते हैं इसको, हमने क्रॉप कर लेना है। चलिए यहाँ पे इसका भी छोटा साइज कर लेंगे इस तरीके से। दोस्तों ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए इसका हमने कलर भी थोड़ा सा येलो रेड रखना है। चलिए हमने कलर भी एडजस्ट कर लिया। अब इसके ऊपर लिखेंगे हम, चलिए इसके ऊपर लिखेंगे हम पीछे पागल मत रहो, वॉच टाइम के पीछे पागल मत रहो। चलिए हमने ये इतना लिख लिया और आपको भी इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। आपको दोस्तों इसका
कलर हमने चेंज करना है, पूरा वाइट ही कलर रख लेना है इसका, और ताकि और भी अच्छा और प्रोफेशनल लगे देखने में, क्योंकि रेड कलर कलर कॉम्बिनेशन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आप इसका अगर जो अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे कलर कॉम्बिनेशन, तो आपका थंबनेल हाई प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी में दिखाई देगा और प्रोफेशनल भी दिखाई देगा। तो चलिए हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले रहे हैं। चलिए हमने एडजस्ट कर लिया, इसका भी स्ट्रोक इनेबल कर लेंगे, और स्ट्रोक इसका हमने ब्लैक रखना है। ब्लैक आपको 3 या 4% रख लेना है, और इसका भी हमने साइडो इनेबल करना है। साइडो पे जाएंगे और आपको यहाँ पे आपको अपने हिसाब से भी साइडो एडजस्ट कर लेंगे, तो ताकि साइडो और भी अच्छा लगता है देखने में। टेक्स्ट में साइडो ऐड करने पर काफ़ी अच्छा फॉन्ट लगने लग जाता है। चलिए हमने साइडो भी ऐड कर लिया। चलिए आपको फ्रॉम गैलरी पे चलते हैं, फिर आपको यहाँ पे एक और PNG ऐड करना है। चलिए YouTube PNG ऐड करना है, चलिए सब फटाफट से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एक मनोज जी ने इस ब्लू कलर में एक बैकग्राउंड ऐड किया हुआ था, तो चलिए हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि किस तरीके से हम ऐड करते हैं एंड किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। चलिए हमने एक शेप से लिया हुआ, इसको भी ऐड कर लिया अच्छे से एंड अच्छे से एडजस्ट भी कर लिया। चलिए सभी लोगों को लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे, अब फिर आपको यहाँ पे एक यूट्यूब PNG ऐड करना है। चलिए हम फटाफट से यूट्यूब PNG ऐड कर लेते हैं। चलिए इसको भी हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे तो और भी काफ़ी अच्छा लगेगा। इसका भी दोस्तों स्ट्रोक इनेबल कर लेंगे, स्ट्रोक इसका ब्लैक ही रखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा और भी। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करके एक यहाँ पे मनोज जी ने शेप्स भी बनाया हुआ था, और चलिए हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। इसका रेडियस आपको चलिए हम रेडियस का 5 पॉइंट तक रखे हैं, और फिर आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड रेवेन्यू लिख लेना है, मनोज ने लिखा हुआ था। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी मनोज ने डाल रखा है मैं वही डाल ऐड कर रहा हूँ। चलिए फटाफट से एक इसका हम फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। चलिए आप अच्छे से एडजस्ट कर लेना दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा आपके कि हम किस तरीके से हाई क्वालिटी में थंबनेल बनाते हैं एंड प्रोफेशनल भी थंबनेल बनाते हैं। चलिए हमने एस्टिमेटेड रेवेन्यू लिख लिया, अब यहाँ पे हम नीचे में लिखना है यहाँ पे
डॉलर का आइकन देख के आपको यहाँ पे 10.8 रख लेना है, और यहाँ पे ग्रीन टिक मनोज ने भी ले रखा हुआ था लगा। अब यहाँ चलिए हमने दूसरा ले लिया। यहाँ पे अब टेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हिंदी में लिखना है, यहाँ पे लिखना होगा ये देखो सच्चाई। चलिए मनोज ने भी ले लिख रखा हुआ था ये देखो सच्चाई। चलिए फटाफट से ऐड कर लेते हैं, और इसका साइज़ 200 हम खींच के बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। और इसका दोस्तों फॉन्ट हमने चेंज करना है, आप अपने हिसाब से फॉन्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट अच्छा लगेगा आपके। हमने खंड बोल ही फॉन्ट यूज किया हुआ है और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसका हमने कलर दोस्तों देखो सच्चाई वाले को हमने कलर चेंज कर लेना है, इसका भी येलो रख लेना है, और आप अपने हिसाब से भी कलर ऐड कर सकते हैं। चलिए हमने अपने हिसाब से ऐड करना, आप भी अपने हिसाब से करोगे तो काफ़ी अच्छा आपका भी थंबनेल बनेगा। चलिए हमने स्ट्रोक भी इनेबल कर लिया इसका। स्ट्रोक भी दोस्तों इसका ब्लैक ही रखना है तो काफ़ी अच्छा और भी लगेगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। चलिए हमारा एडजस्ट हो चुका है। चलिए हम और इस सभी को लॉक कर लेते हैं, जितने भी अनलॉक हैं इन सभी को लॉक कर लेंगे। आप दोस्तों एक बार हमारा पूरा वीडियो देखोगे ना ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम थंबनेल क्रिएट करते हैं। चलिए दोस्तों सभी को लॉक कर लेते हैं ताकि और भी एलिमेंट्स ऐड करने तो कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक और PNG ऐड करना है जिसका मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इस Aero PNG को ऐड कर लेंगे। आपको दोस्तों अगर जो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करना है तो आपको यहाँ पे सब कर सकते हैं पिक्सल लैब में ही। चलिए हम फटाफट से इसको भी ऐड कर लेते हैं। इसको दोस्तों छोटा कर लेना है आपको यहाँ पे। चलिए हमने फिर से फ्रॉम गैलरी पे चलते हैं और यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिख लें। यहाँ पे दोस्तों आपको इमेजी एक जो ऐड करना है जो मनोज ने ऐड करके रखा हुआ है, जो गुस्से वाला इमोजी एंग्री इमोजी आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। चलिए हमने भी इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है ताकि और भी अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल लगे देखने में। चलिए हमने इसको भी लॉक कर लिया ताकि अब ये इधर उधर इमेज हिले ना। चलिए हमने इसको भी एडजस्ट कर लेना इस इमोजी को।
चलिए, तो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं सभी चीज़ें। आप ध्यान से देखोगे तभी पता लगेगा कि भाई हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं और किस तरीके से अपना थंबनेल क्रिएट करते हैं। चलिए, हमने एक और पीएनजी इसमें ऐड करना है जो कि मनोज ने ऐड कर रखा हुआ है। जितना भी मनोज ने इस थंबनेल में यूज कर रखा है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से प्रोवाइड कर लेना, डाउनलोड कर लेना। चलिए, हमने एक इमोजी का भी एक और कॉपी बना लेना है और आपको यहाँ पे इस तरीके से शेप्स के पास में एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको एक डॉलर वाला पीएनजी ऐड कर लेना है यहाँ पे मनोज ने, और इसको दोस्तों बैकग्राउंड इरेज करना है। आपको यहाँ पे जाएंगे इरेज कलर पे, इरेज क्लियर ऑन करेंगे तो आपका ये जो बैकग्राउंड वाइट वाला है ये हट जाएगा, और टॉलरेंस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे वाइट कलर लेके एडजस्ट कर लेना है। अब आपका दोस्तों यहाँ पे दोस्तों वाइट जो पूरा था वो हट चुका है, अब आपको यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे, इसको छोटा करके आपको यहाँ पे लगा लेना है ऊपर मनोज दे के पास में जस्ट। और दोस्तों इस पे वाइट कलर जो था वो हट चुका है, अब हमने इसको जो डॉलर वाला पीएनजी है इसके ऊपर वाइट लाना है। वाइट लाने के लिए दोस्तों आपको शेप्स पे क्लिक कर लेना है, शेप्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गोल सर्कल वाला ले लेना है, और दोस्तों गोल सर्कल वाला लेके आपको यहाँ पे छोटा रख लेना है। और बीचों बीच में वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट कर लेंगे, और फिर आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके ऊपर वाली लेयर को पकड़ के नीचे खींच देंगे तो फिर आपका ये वहाँ पे वाइट वाला कलर हो जाएगा। इन दोनों को आप मर्ज कर लेना, कर लेना आप दोस्त, क्योंकि कॉपी करनी है। मर्ज करने के बाद इसकी एक और कॉपी बना लेनी है। और फिर आपको यहाँ पे लगा लेना है। दोस्तों ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से आप हमारी ये वीडियो 25-26 मिनट की देख लोगे तो आप अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो आप अच्छे से थंबनेल बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए, हमने इसको भी ऐड सेव कर लेना पीएनजी में, एंड यहाँ जो 1280 लिखा हुआ है यहाँ पे 7680 कर लेंगे, यहाँ पे 4320 कर लेंगे और सेव कर लेंगे। दोस्तों अभी अभी और भी एलिमेंट्स ऐड करना है तो ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे एक शेप्स ले लिया हमने, शेप्स लेने के बाद आपको यहाँ पे इसका रेडियस भी कम कर लेना है। रेडियस आपको 15% तक रख लेना है, फिर आपको इसको हल्का सा रोटेट कर लेना है, फिर आप इसी शेप्स पर क्लिक कर देना है। और फिर टेक्सचर पे जाएंगे, टेक्सचर पे जाने के बाद आपको जो आपने में थंबनेल सेव करके रखा हुआ आप इसी को आप इसी में ऐड कर लेना है। तो मनोज ने भी ऐसे ऐड कर रखा हुआ था, तो चलिए हमने इसका स्ट्रोक वाइट रख लेना का तो काफ़ी अच्छा लगेगा और भी। तो चलिए हमने वाइट रख लिया इसका।
दोस्तों आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो और भी इससे भी अच्छा आप थंबनेल बना सकते हैं, एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं इससे भी अच्छा। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं, आप फॉर्मेट पे PNG रख लेंगे एंड यहाँ पे जो 76:80 कर लेंगे और यहाँ पे 43:20 कर लेंगे, तो आपका ये हाई क्वालिटी में थंबनेल सेव होगा। दोस्तों आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो इससे भी बेहतरीन और प्रोफेशनल थंबनेल बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।